हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप वीडियो। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार शर्मा और आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपका जो डिश टीवी का चैनल नंबर से इधर उधर हो गया या जो भी जिस नंबर का चैनल है उस चैनल पे उस नंबर पे आपका चैनल नहीं है उस जगह, तो उसे आप कैसे लाएँ और उसे आप कैसे ठीक करें, या अगर आपका डिश टीवी में कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे कि सेटिंग से छेड़छाड़, तो उसे आप कैसे ठीक करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अपने डिश टीवी का सेटिंग से कोई भी प्रॉब्लम हो या सॉफ्टवेयर का कोई इशू हो तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को ध्यान से देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को आप देखें। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद एसटीबी इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद रिमोट से आपको रेड बटन को क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम रेड बटन को क्लिक कर ले। उसके बाद आपको चले जाना है सिस्टम सेटअप, ठीक है। यहाँ से हम सिस्टम सेटअप पे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना है इरेज फ्लस FS, ठीक है। इसको क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर से आप ओके कर लीजिए, ठीक है। यहाँ इरेजिंग हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, यह ऑटोमेटिक आपका टीवी ऑन होगा, तो आपको दिखेगा यहाँ पे दिखेगा इस बेट। तो दोस्तों, यह जो वीडियो बनाया है, मेरा डिश टीवी में ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जिसके कारण से हम ठीक करके तो वीडियो हम फिर बनाए, तो इसीलिए हम वीडियो बनाए। तो दोस्तों, जो भी हम वीडियो बनाते हुआ जब भी रिचार्ज कराए, तो दोस्तों हम जब भी वीडियो बनाते हैं इस टाइप का कोई भी, तो खुद से पहले हम जो मेरे साथ हो जाता है उसके बाद ही हम ऐसा वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा जानकारी होगा होगा मेरे थोड़ा जानकारी हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।